नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आईटी टेक्निकल गुरु में। आशा करता हूं पिछली क्लास आपको समझ आई होगी और पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ कमियां अवश्य रह गई थी, लेकिन उम्मीद करता हूं जो मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा था वो आपके समझ में अवश्य आया होगा। आपके सुझाव और प्रश्न हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उनका हमें इंतजार रहेगा। तो बातों को विश्राम देते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर और शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की शायरी से। ख्यालों से कहाँ मिलती है तमन्ना की मंजिल, ख्यालों से कहाँ मिलती है तमन्ना की मंजिल, चलना भी जरूरी है मंजिलों को पाने के लिए। ख्यालों से कहाँ मिलती है तमन्ना की मंजिल, चलना भी पड़ता है मंजिलों को पाने के लिए। इसी प्रकार आप तैयारी करते रहें, आपको भी मंजिल अवश्य ही मिलेगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो पर। आज बुधवार है और मैं अपनी विद्युत औजारों की अगली वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछली वीडियो में मैंने 10 औजार के बारे में आपको बताया था, तो चलते हैं अपने 11वें औजार पर जो कि है जिमलेट। 11वां अपना जिमलेट। पहले इसके साइज की बात कर लेते हैं। इसका जो साइज होता है वो सामान्यतः जो हमें मिलता है, जो इलेक्ट्रिशियन यूज करता है, वो करता है 150 mm। अब इसके जो काम की बात कर लेते हैं, किस काम आता है यह। लकड़ी में छेद करने के काम आता है, इससे लकड़ी में छेद किया जाता है। इसको इस तरीके से रख के ऐसे घुमाया जाता है और ये लकड़ी में आगे धंसता जाता है। तो इसका जो भाग होता है जिससे छेद करते हैं आगे का भाग, वो सख्त लोहे का बना होता है। अब चलते हैं इसकी सावधानियों पर, क्या क्या सावधानियां बरती जाती हैं इसका उपयोग करने के लिए। इसका उपयोग करते समय इसको बिल्कुल सीधा रखना चाहिए, ऐसे बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। अगर कुछ भी इसमें तिरछापन आता है, कोई भी तरीके से अगर इसमें तिरछापन आता है, तो इसका जो आगे का भाग है वो क्या होता है, खराब हो जाता है, जिसमें इसके बाद में इसका उपयोग हम नहीं कर पाते। चलते हैं अपने 12वें औजार पे जो कि है ट्राई स्क्वेयर। 12वां औजार जो कि है अपना ट्राई स्क्वेयर। इसे सामान्य भाषा में गुणिया भी कहा जाता है। और इसकी साइज की बात कर लेते हैं, जो साइज एक इलेक्ट्रिशियन यूज करता है, इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय में जो साइज यूज होता है वो होता है इसका 200 mm का। 200 mm का गुणिया एक इलेक्ट्रिशियन यूज करता है। अब इसके आकृति की बात कर ले, ये अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह दिखता है, जैसे कि ये एल अक्षर है आपका, इस तरीके से दिखता है, इसके इस तरीके से ये दिखाई देता है, होता है, ये इसी टाइप में होता है। अब इसके भागों की बात कर ले, इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है ब्लेड और दूसरा होता है स्टोक। दो भाग होते हैं, एक होता है आपका स्टोक और एक होता है आपका ब्लेड, ठीक है। जो स्टोक होता है वो बना होता है माइल्ड स्टील से, और जो ब्लेड होता है वो बना होता है हाई कार्बन स्टील से। अब इसकी उपयोग की बात कर लेंगे, क्या उपयोग आता है गुणिया हमारे। गुणिया का ये जो ब्लेड वाला भाग होता है ना, ये अगर आप ब्लेड मानोगे, ये ब्लेड वाला भाग होता है, इस पे क्या मार्किंग होती है, जिस तरीके से आपके स्टील रूल पे मार्किंग होती है उसी तरीके से इस पे मार्किंग होती है। इसका उपयोग दूरी मापने के लिए किया जा सकता है, और कोई चीज की समतलता आपने चेक करनी है, तो जैसे कि ये समतल है, इस पर अगर चेक करनी है तो आप गुनिया रखोगे तो आपको पता चल जाएगी कि ये समतल है। और तीसरा, अगर आपको दो जॉब्स के मध्य 90 डिग्री का जांच करनी है, जैसे कि यहाँ से अगर आपको देखना है कि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आप गुनिया रख के भी इसकी जाँच कर सकते हो कि ये 90 डिग्री है या नहीं है। और इसका उपयोग इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय में इसका उपयोग केसिंग केपिंग वायरिंग की 90 डिग्री तक जांचने के लिए किया जाता है। केसिंग केपिंग वायरिंग किस टाइप में होती है, जैसे कि ऐसे जोड़ी होती है मोड़ों पे, जिससे कि वायरिंग सुंदर लगे। केसिंग केपिंग वायरिंग बाहर होती है, दिखाई देती है आपको, कैंड्यूट वायरिंग अंदर होती है, केसिंग केपिंग बाहर होती है, उसे चेक करने के लिए कि ये समकोण है या नहीं है, इलेक्ट्रिशियन गुणिये का उपयोग करता है। और आगे इसकी सावधानियां देखते हैं, इसकी सावधानियां क्या क्या होती हैं।
तो सावधानियों की बात करते हैं तो इसे हैमर की तरह आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका ब्लेड और स्टोक के मध्य 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी गलत हो गया तो आपका गुनिया किसी काम का नहीं रहेगा, और इसे जंग से बचाकर रखना चाहिए। अब अपने चलते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं गुनिया से संबंधित। गुनिया से संबंधित आईटीआई के जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, गुनिया के उपयोग बताओ, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गुनिया के आपको दो उपयोग उन्होंने बताए थे और दो उपयोग आपसे पूछे गए थे। और एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि गुनिये के ब्लेड और स्टोक के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। अब चलते हैं अपने 13वें औजार पे। 13वां औजार है अपना मैलेट। 13वां औजार है अपना मैलेट। पहले बात कर लेते हैं कि मैलेट होता क्या है। लकड़ी या प्लास्टिक का हथौड़ा जो होता है उसे हम मैलेट कहते हैं। और इसके अब साइज की बात कर लेते हैं। इसका साइज जो सामान्यतः उपयोग किया जाता है वो किया जाता है 75x200 mm का हथौड़ा जो मैलेट होता है वो यूज किया जाता है। 75x200 mm, ठीक है। अब इसमें दो भाग होते हैं, एक ठोकने के लिए उपयोग किया जाता है और एक हैंडल होता है जिसे पकड़कर इसको ठोका जाता है, ठीक है। अब इसके उपयोगों की बात करते हैं, हमें क्या क्या उपयोग हैं मैलेट के। मैलेट का ज्यादातर उपयोग शीट मेटल कार्यों में किया जाता है। इससे एल्यूमिनियम की तारें जो होती हैं, एल्यूमिनियम की चादर जो होती हैं, तारें नहीं सॉरी चादर जो होती है, उनको सीधा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब जो एक इलेक्ट्रिशियन होता है वो इसका क्या उपयोग करता है। इलेक्ट्रिशियन जो है इसका उपयोग करता है कि वो मोटर के जो कवर होते हैं उनको खोलने के लिए इसका उपयोग करता है। क्योंकि अगर आप मोटर के कवर खोलने के लिए बॉल पिन या अदर किसी हथौड़े का उपयोग करेंगे ना, तो मोटर का आपका जो कवर है वो डैमेज हो सकता है, टूट भी सकता है। इसलिए ये हल्के जो मैलेट्स आते हैं उनका उपयोग करके उसके कवर को खोला जाता है। अब सावधानियां क्या बरतनी चाहिए मैलेट का यूज करते समय। सावधानी यह बरतनी चाहिए कि इसका बॉल पिन की जगह उपयोग नहीं करना चाहिए। बॉल पिन हैमर की जगह अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो इसका जो आगे वाला पार्ट है जो लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है वो डैमेज हो सकता है। अब चलते हैं अपने 14वें औजार पर, जो कि है अपना बहुत ही महत्वपूर्ण औजार इलेक्ट्रिशियन के लिए, टेस्टर, ठीक है, या फेज टेस्टर भी बोल देते हैं इसे, फेज टेस्टर भी बोल देते हैं। तो पहले इसका वो जान लेते हैं कितनी रेंज में मिलता है। ये लगभग 500 mm रेंज में एक इलेक्ट्रिशियन इसको 500 वोल्ट रेंज में इलेक्ट्रिशियन इसको यूज करता है, ठीक है। अब चलते हैं इसकी आकृति में। तो ये पेचकस की तरह दिखाई देता है, दिखाई देता हूँ मैं आपको। ये देखिए एक टेस्टर है, पेचकस की तरह ये दिखाई देता है। अब इनके भागों की बात कर लेते हैं। ये जो आगे वाला भाग होता है इसका, ये टिप होता है, इसे बोलते हैं स्टीम, इसे बोलते हैं यहाँ वाले भाग को इसे स्टीम बोलते हैं। इसके अंदर एक बल्ब दिया हुआ है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर एक बल्ब है जो नियॉन बल्ब होता है और एक कार्बन प्रतिरोध लगा होता है, उसके ऊपर एक स्प्रिंग होता है और पीछे अर्थ के लिए, ये देखिए यहाँ पे अर्थ के लिए एक अर्थ पॉइंट दिया हुआ और ये क्लिप है इसकी। ये टेस्टर के भाग होते हैं, ठीक है। अब ये उपयोग क्या आता है कि टेस्टर का क्या उपयोग किया जाता है। जो भी आपके लाइन आ रही है या जो भी लाइन आती है उसमें फेज की जांच करने के लिए टेस्टर का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर एक नियॉन बल्ब होता है जो कि अगर आप मान लो कि इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, ये मान लो दो तारें आ रही हैं, ठीक है, इसमें ये मान लो फेज है और ये मान लो न्यूट्रल है, तो आपके पास सॉकेट होगा, सॉकेट लगा होगा, ठीक है। तो इस सॉकेट में अगर आप इसको लगाओगे टेस्टर को यहाँ पे फेज पे, तो इसका क्या नियॉन बल्ब जल जाएगा। किस स्थिति में, जब आपका हाथ यहाँ पे पीछे ये अर्थ पॉइंट है इसके लगा होगा, तभी ही इसके अंदर लगा नियॉन बल्ब जलेगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो प्रश्न हैं वो पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कि ये पूछ सकते हैं कि नियॉन टेस्टर के अंदर कौन सा बल्ब उपयोग किया जाता है। तो आपको आंसर पता ही है, मैंने बता ही दिया अभी आपको, नियॉन बल्ब यूज किया जाता है टेस्टर के अंदर।
और सेकेंड जो पॉइंट है वो ये पूछ सकते हैं कि जो न्योन बल्ब होता है वो किस रंग का जलता है, तो वो जलता है लाल रंग का। और एक बात और, इसे न्योन बल्ब के कारण इसे न्योन टेस्टर भी कहा जाता है, न्योन टेस्टर भी कहा जाता है। अब चलते हैं सावधानियों पर। सावधानियां क्या है इसकी, कि इसका उपयोग बड़े आकार के पेचों को खोलने के लिए नहीं करना चाहिए, या फिर जो ज्यादा टाइट पेच होते हैं उसे खोलने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं अपने 15वें औजार पर, जो कि है अपना इलेक्ट्रिशियन चाकू। 15वां औजार है, 15वां औजार है अपना इलेक्ट्रिशियन चाकू। इलेक्ट्रिशियन चाकू, जो इलेक्ट्रिशियन चाकू यूज करता है उसे अपने इलेक्ट्रिशियन चाकू कहते हैं। इलेक्ट्रिशियन चाकू जो यूज कर जो इलेक्ट्रिशियन जो चाकू यूज करता है वो चाकू सामान्यतः जो घर में अपने चाकू यूज करते हैं उसी आकार का होता है, लेकिन फोल्डिंग टाइप होता है। फोल्ड करके वह है जो इलेक्ट्रिशियन है वो अपनी जेब में डाल के उसको कहीं पे भी ले जा सकता है। इसमें जो भाग होते हैं, इसमें दो ब्लेड होते हैं जो फोल्डिंग हो जाते हैं। दो ब्लेड होते हैं, एक ज्यादा धार वाला होता है और एक कम धार वाला ब्लेड होता है। जो ज्यादा धार वाला ब्लेड होता है उसका उपयोग अपने करते हैं तारों से इंसुलेशन छीलने के लिए। तारों से इंसुलेशन छीलने के लिए ज्यादा धार वाला ब्लेड यूज करते हैं। कम धार वाला ब्लेड अपने यूज करते हैं जो सुपर एनिमल तार होती है, उन तारों से एनिमल उतारने के लिए अपने कम धार वाला जो ब्लेड होता है उसका उपयोग करते हैं। एनिमल क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा मोटर वाइंडिंग की तार होती है उसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ा होता है जिसे अपने एनिमल कहते हैं, ठीक है। उसके उपयोग से, कम धार वाले ब्लेड के उपयोग से वो हटाया जा सकता है। अब सावधानियां जो इलेक्ट्रिशियन चाकू के उपयोग में रखनी चाहिए वो है, इसके ब्लेडों को अच्छे तरीके से रखना चाहिए, ठीक है, उस मतलब धार खराब नहीं करनी चाहिए आपको। इसके उपयोग से तारों को नहीं काटना चाहिए, जैसे कि अगर आप छील रहे हो तो तारों को ना काटें आप इससे तो। और इंसुलेशन छीलते समय पेल्सिन जैसे आप छीलते हो उस तरीके से आपको इंसुलेशन इसका छीलना चाहिए। 16वां औजार है अपना कैंड्यूट डाइसेट। 16वां औजार है अपना कैंड्यूट डाई सेट। यह एक कटिंग औजार है और इसके दो भाग होते हैं। डाई में स्टोक को लगा के यूज किया जाता है। डाई और स्टोक, इसके दो भाग होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनके भागों के नाम, स्टोक और डाई। जो स्टोक होता है अपना वो बना होता है कास्ट आयरन से। स्टोक जो अपना बना होता है वो बना होता है कास्ट आयरन से। और जो डाई होता है अपना वो बना होता है हाई कार्बन स्टील से। डाई जो अपना बना होता है वो बना होता है हाई कार्बन स्टील से। और जो हाई कार्बन में जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 0.7 से 1.5% के मध्य। यानी कि हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन होता है वो 0.7 से 1.5% होता है, बाकी सारा स्टील होता है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं कैंड्यूट डाई सेट का? कैंड्यूट डाई सेट का उपयोग करते हैं कैंड्यूट पाइपें जो आती हैं उसके उस पर बाहरी चूड़ियां निकालने के लिए कैंड्यूट डाई सेट का उपयोग करते हैं। अब ये कैंड्यूट पाइप कौन सी होती है, जिस तरीके से आजकल आप देखते हैं कि आप पीवीसी पाइपें यूज की जाती है वायरिंग में, उसी तरीके से औद्योगिक वायरिंग हो या पुरानी जो वायरिंग हो उसमें कैंड्यूट पाइप यूज की जाती थी। उस कैंड्यूट पाइप पे चूड़ियां जो काटने के लिए उपयोग किया जाता था वो किया जाता था डाई सेट का। बाहरी चूड़ियां निकालने के लिए डाई सेट का उपयोग किया जाता था। अब इसके सावधानियों के बारे में अपने थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या क्या सावधानियां उपयोग करनी चाहिए अपने को कैंड्यूट डाई सेट का उपयोग करते समय। पहली सावधानी तो यह रखनी चाहिए, अगर आपने इसको यूज कर लिया तो आप इसको साफ करके रखें, साफ करके ही रखें, और पाइप के साइज के अनुसार ही आपको कैंड्यूट डाई सेट का साइज
लेना चाहिए। अब चलते हैं अपने 17वें औजार पे। 17वां औजार है अपना टेप। ये इलेक्ट्रिशियन वाली टेप नहीं है, ये चूड़ियां निकालने वाली टेप है। यह एक कटिंग औजार है, यानी कि इस कटिंग के काम आता है, ठीक है, कटिंग औजार है। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है? इसका उपयोग होता है अंदरूनी चूड़ियां निकालने के लिए इसका उपयोग होता है। और ये किसका बना होता है? ये बना होता है हाई कार्बन स्टील का ही यह बना होता है। हाई कार्बन स्टील में ये कार्बन की मात्रा याद कर लेना। हो सकता है कि पूछ लें, बाई चांसेस बहुत कम है, लेकिन बाई चांस पूछ लें, हो सकता है पूछ सकते हैं ये, ठीक है। और इसका जो बॉडी होती है वो हार्ड और टेम्पर करके बनाई जाती है, ठीक है। अब चलते हैं सावधानियां में। सावधानियां क्या यूज करनी चाहिए टेप का उपयोग करते समय? टेप का उपयोग करने के बाद इसको साफ करके रख देना चाहिए। और जहां पे भी आपको, जिस भी जॉब पे आपको टेप का यूज करना है, वहां पे पहले ड्रिल से उस टेप के अनुसार छेद बना लें और फिर ही वहां पे टेप का यूज करें। टेप का यूज करते समय उसके लिए जो टेप का रेंच आता है, उस रेंच से ही टेप को घुमाया जाता है। अब चलते हैं अपने 18वें औजार पे। 18वां औजार है अपना वायर स्टिपर। वायर स्टिपर का उपयोग क्या है? वायर स्टिपर का उपयोग केबलों से इंसुलेशन उतारने के लिए करते हैं, या अन्य तारें जो अपने वायरिंग में यूज करते हैं उनसे इंसुलेशन उतारने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और इसका साइज, जो इलेक्ट्रिशियन यूज करता है, वो सामान्यतः 150 mm का वायर स्टिपर यूज करता है। अब इसकी सावधानियां में से जंग से बचाकर रखना चाहिए, जंग से बचाकर रखना चाहिए वायर स्टिपर को। सेकंड है, इसका उपयोग करते समय आपको तारों को नहीं काटना चाहिए। और तीसरा उपयोग है इसका कि इससे सावधानी है इसकी, इससे गर्म वस्तुओं को नहीं पकड़ना चाहिए। चलो चलते हैं अपने 19वें औजार पे। तो चलने से पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं। 19वां औजार है अपना वायर गेज। 19वां औजार है अपना वायर गेज। तो इसे जो है स्टैंडर्ड वायर गेज भी कहते हैं। इसकी आकृति जो होती है वो गोल डिस्क की तरह होती है और इसके ऊपर खांचे कटे होते हैं। तो इसके जो उपयोग कैसे करते हैं? इसका उपयोग सुपर एनिमल तारों का गेज ज्ञात करने के लिए करते हैं। सुपर एनिमल तार लेते हैं, उससे जो उसमें जो इंसुलेशन होता है, जिस तरीके से मैंने बताया एनिमल होता है, उसको इलेक्ट्रिशियन चाकू की सहायता से हटाया जाता है, जिससे कि आप आराम से हटा सकते हैं इलेक्ट्रिशियन चाकू से। और फिर उसको हटाकर जो वायर गेज में खांचे बने होते हैं उसमें डाला जाता है। खांचों में डालने के बाद आपको गेज संख्या प्राप्त होती है। गेज संख्या का यूज आप वायर गेज से संबंधित एक सारणी आती है, वहां पे जाके आप वायर का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं सावधानियां पर, ठीक है। इसकी जो सावधानियां हैं, इसको टूल बॉक्स में नहीं रखना चाहिए और जंग से बचाकर रखना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात जो रह गई थी कि जो बड़े गेज होते हैं उनका व्यास कम होता है और जो छोटे गेज होते हैं उनका व्यास ज्यादा होता है। अब चलते हैं अपने 20वें औजार पे। 20वां औजार है अपना सेंटर पंच। 20वां औजार है अपना सेंटर पंच। तो सेंटर पंच है अपना 20वां औजार। बात कर लेते हैं साइज की। तो इसका साइज सामान्यतः जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है 125 mm का। एक इलेक्ट्रिशियन जो उपयोग करता है वो 125 mm का उपयोग करता है। तो बात कर लेते हैं ये बना किसका होता है। ये बना होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील का ज्यादातर औजार इसी से ही बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील। बाई चांस अगर कोई प्रश्न आ जाता है और आपको उसका आंसर नहीं आता बनावट से, मतलब किसका बना होता है इससे संबंधित, तो आप हाई कार्बन भर दीजिए, बाई चांस वो सही हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं
कि इसकी आकृति ये किस प्रकार का दिखाई देता है। तो ये पेन के आकार का दिखाई देता है, मेरे पास पेन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके का ही दिखाई देता है लगभग। ये इसका आगे वाला भाग होता है जो नुकीला और तेज धार वाला बनाया जाता है, जिससे कि ये जॉब में पंचिंग कर सके। तो अब इसके उपयोगों की बात कर लेते हैं। उपयोग क्या होता है इसका? इसका उपयोग होता है जो भी आपकी जॉब होती है उसमें सेंटर पॉइंट बनाने के लिए सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है। सेंटर पॉइंट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो फिटर व्यवसाय होता है उसमें इसमें ड्रिल की जाती है जॉब में, और सेंटर पॉइंट बनाने से जॉब में ड्रिल आसानी से हो जाती है, इसलिए सेंटर पॉइंट बनाने के लिए सेंटर पंच का उपयोग करते हैं। तो अब चलते हैं इसकी सावधानियों पर। सावधानियां क्या है इसकी? पहली सावधानी है इसकी, इसको हार्ड धातुओं पर उपयोग नहीं करना चाहिए। हार्ड धातुओं पर उपयोग करेंगे तो इसके जो आगे वाला पॉइंट है वो खराब हो सकता है। सेकंड है इसकी सावधानी है कि इसका जो आगे वाला पॉइंट होता है, आगे वाला जो इसका पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ठीक है, आगे वाला, तो इसको तेज और नुकीला रखना चाहिए, ठीक है। और तीसरे इसकी सावधानी है, इसके अनुसार जो भी आप सेंटर पंच ले रहे हैं उसी के अनुसार हथौड़े का उपयोग करना चाहिए। और चौथी सावधानी है इसकी, इसको जंग से बचाकर रखना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। अभी कुछ औजार बाकी हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए, इसके लिए औजारों से संबंधित एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। आप इन वीडियो से कॉपी पेन लेकर शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जो आपको एग्जाम के समय में बहुत काम आएंगे। इसी के साथ बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप वीडियो को शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।